नमस्ते, सत श्री अकाल, हैलो। अज दा अपना टॉपिक हैगा वैक्टर एडिशन। मतलब जिहड़े वैक्टर आ उह किद्दां जमा हुंदे होणगे। हुण देखो, एडिशन मैंने तां हुंदा जमा करना, जोड़ करना, है ना। सो पर इत्थे एडिशन तो भाव हैगा मिल के काम करना, भी जदों मिल जाणगे। जिद्दां हुण आपां फिर उही इक एग्जाम्पल लै लैंदे आ, से एक टेबल आ। सो ए वाले टेबल नू मिल के धक्का मारना, ठीक है। सो दिस इज़ ए टेबल। सो ए वाले टेबल नू लगदी तां पीढ़ी आ, चलो इस टेबल नू धक्का मारना। आपां ने मान लो एक बंदे ने धक्का मारिया, उहने मान लो कि 10 न्यूटन जोर लाया। कुछ बच्चे आपां इकट्ठे कर ले भी चलो इहनू धक्का मारो। एक होर ने धक्का मारिया, उहने मान लो कि 20 न्यूटन धक्का मारिया हो। हुण ओबीएस जी गल आ, सानू क्लीयर है कि रल के इन्हां दोनों ने किन्ना जोर ला लिया। इन्हां दोनों ने 30 न्यूटन जोर लाता इत्थे। सो क्लीयर आ। सो देयर इज़ ए टेबल और वट एवर यू कैन से, जे आपां पंजाबी आ सानू पता पीढ़ी वर्गी कोई चीज़ बन गई आ, चलो। सो ये 10 न्यूटन एक बच्चे ने जोर लाया, तो 20 न्यूटन एक बच्चे ने जोर लाया, तो दोनों ने रल के इनू 30 न्यूटन जोर लाता। दिखता ही पिया, उन्हें भी इधर नू धक्का मारिया, तो उन्हें भी इधर नू धक्का मारिया, तो टोटल धक्का जिहड़ा हैगा 30 न्यूटन बन गया। सो ये थोड़ा जा जिहड़ा लाइन आ आप लंबी कर देंगे। सो आ 10 न्यूटन आ, जे आप ध्यान रखिए भी 10 न्यूटन की लाइन, जे 1 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर होनी है, तो 3 सेंटीमीटर होनी आ। इहदा मतलब इन्हां दोनों ने रल के काम किया, मतलब वैक्टर ऐड हो गए। सो इत्थे आपां कह सकते हैं कि वैक्टर ऐड हो गए, एडिशन हो गई, जोड़ हो गया। पर हुण इही गल नूं दुबारा देखिए आपां। सो लैट अस टेक द रेड पेन। सो हुण मान लो कि इत्थे लैट अस ड्रा डिफरेंटली। सो मान लो एक हुण आह ही कोई होर टेबल हैगा सी। सो इहनूं धक्का मारिया एक जाने ने, इधरों 10 न्यूटन धक्का मारिया, तो एक जाने ने इधर नू मान लो कि 5 न्यूटन धक्का मारिया। सो छोटी जी कोई चीज़ आ, बच्चे लगे हुए आपस, हुण दोनों ने रल के इन्हों धक्का मारिया। हुण कॉमन सेंस की गल आ, सारिया नू पता आ कि भी असल विच की होया होगा। सो 10 न्यूटन इधर नू, 10 न्यूटन इधर नू जमा 5 न्यूटन इधर नू। सो आ लाइन थोड़ी छोटी बनावांगे आपां, जे ध्यान रखना। तो नैट रिजल्ट की आऊगा इहदा, इह सारी गलबात दा, इहदा नैट रिजल्ट ये आऊगा कि 5 न्यूटन बचूगा। एक दूजे नू कैंसल करनगे, असल च लड़ पे इह, रल के नहीं काम किया। इहनू असीं कहांगे दोनों एक उल्ट काम करते पे, एक दूजे दे करदे मिल के पे आ, दोनों जाने इकट्ठे काम करते पे। इत्थे असीं कहांगे दोनों वैक्टर, जिहड़े दोनों वैक्टर आ, जिहड़े फोर्स दोनों लगे आ, उन्होंने असी जमा ही किया वा। जमा करके मतलब उन्होंने दोनों ने जो मिल के काम किया, वह नतीजा की आया। सो इतें बिल्कुल सिंपल जी गल आ, दो जन ने मिल के एक काम किया, वह मिल के वह काम का नतीजा की निकलिया, वह मिल के काम का नतीजा यह निकलिया कि मेज़ में जिन्ना धक्का लगना से लगा ही नहीं, उन्होंने 15 न्यूटन लगना चाहिए से, उन्होंने 5 ही रह गया, क्योंकि आ लाइन वड्डी सी। इस करके बचा 10 न्यूटन का जिहड़ा हिस्सा बचिया इधर नूं, उही बचिया बस, बाकी तो खत्म हो गया। यदा मतलब कि 10 ते 5 रल के जवाब 5 आया। मतलब आपां नूं आम जमा घटा विच 10 जमा 5 का जवाब, आम मैथ विच 15 हुंदा वा, पर वैक्टरां विच 10 जमा 5 का जवाब 5 आंदा पिया इस स्थिति दे विच। सो 10 जमा 5 जे आपां मैथ की गल करिए, तां मैथ विच हमेशा ही इदां होगा, इहदा कोई होर गल हो ही नहीं सकती। जे तुसीं इहदा कोई होर जवाब लिखोगे मैथ विच, 10वीं तक जिन्ना तुसीं मैथ पढ़िया, जे तुसीं 10 जमा 5 का जवाब 5 लिखदे, तां सारिआं ने तुहानूं मूर्ख कहना सी, गलत कहना सी। पर हुण वैक्टरां दे विच तुहानूं दिखदा पिया कि वैक्टरां दे विच की होणा, 10 जमा 5 का जवाब 5 भी हो सकदा। सो इहदा मतलब इत्थे एडिशन तों भाव मिल के काम करन तों आ, ना कि जमा करन तों। क्योंकि जो जमा करते मैथमैटिकली, फिर तो जमा ही हुंदा वा, उहदे च तां फिर जुड़ना ही सी, पर इहदे च जुड़दा नहीं पिया। आवली एग्जाम्पल दे विच क्लीयर आ कि दोनों जणियां ने मेज़ नूं इक्को पासे धक्का मारिया, इस करके टोटल जवाब जिहड़ा हैगा 30 न्यूटन आ गया। 10 ते 20 रल गए, इक्को पासे नूं रल गए, इस करके 30 न्यूटन आ गया। आ वाले मामले दे विच 10 न्यूटन एक पासे नूं आ, तो उहदे उल्टे पासे नूं 5 न्यूटन आ। सो इस करके जिहड़ा नैट जवाब आया उह 5 विच्चों कैंसल हो के 5 ही बचिया साढ़े को। सो यदा मतलब वैक्टर का जोड़ आ, वो इस ढंग हों, तो 2 उदाहरण हो गई।
जे हुण मान लो कि असीं इत्थे सोचिए कि भी साढ़े कोल जिहड़ा हैगा सपोज वी हैव ए वैक्टर, आपां नवीं गल कर लैंदे हां इक, कि मान लो साढ़े कोल एक वैक्टर आ जिहड़ा कि से 50 यूनिट लिख लें या चलो न्यूटन लिख लें, समझना सौखा रहिंदा भी 50 न्यूटन इधर नूं धक्का मारिया, तो असी एक धक्का होर मारिया वो भी 50 न्यूटन आ, तो यह जवाब कितना बनना चाहिए? फिर यह जवाब ऑटोमैटिकली 100 न्यूटन बनना चाहिए, अलाइन डबल लंबी हो जाएगी, तो दोनों जने रल के क्योंकि दोनों ने एको पासे नूं धक्का मारिया, सो इन्हों का जिहड़ा जवाब आ 100 न्यूटन आ जूगा, वैरी सिंपल। सो 50 न्यूटन दोनों ने रल के एको पासे नूं किसी चीज़ नूं धक्का मारिया तो आंसर जिहड़ा हैगा वह ज़्यादा हो जूगा। हुण यही चीज़ नूं दुबारा देखदे हां, 50 न्यूटन इधर नूं धक्का मारिया, नाल दूजा बंदा रल गया, वह मूर्ख सी, उन्हें पता नहीं सी मैं की करना, उन्हें उल्ट पासे नूं धक्का मारना शुरू करता। हुण तुसीं आप ही दसो भी एक मेज दे एक बंदा सज्जे पासे धक्का मारी जांदा, एक खब्बे पासे धक्का मारी जांदा, तो मेज़ नूं की होगा कि उहदा ते कुछ बचूगा? दोनों ही आपस दोनों ने एक दूजे का जोर खत्म करता, सो वी गैट जीरो, मतलब 50 जमा 50 का जवाब 0। सो कितनी हैरानी वाली गल आ, सो इत्थे 50 न्यूटन जमा 50 न्यूटन का जवाब 100 भी आता वा तो 0 भी आता वा, तो दोनों गल्लां जिहड़ियां ठीक आ, अलग अलग हालातों के ठीक आ, क्योंकि इत्थे डायरेक्शन नाल दसनी पैंदी आ। सो इस करके 50 न्यूटन 50 जमा हो 100 जवाब भी आ सकता, 50 न्यूटन 50 न्यूटन जमा हो के 0 जवाब भी आ सकता, इहदा मतलब जमा नहीं आप करते पे, बेशक असीं कहने तो एडिशन ही आ, पर जे आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए तो यह असल में जमा नहीं हैगा, यह हैगा मिल के काम किया। हुण मिल के काम करन लई तां आपां की अक्खर लिखांगे, उहदी अंग्रेजी उन्हां ने एडिशन ही बनाई हुई है कि दोनों ने रल के मिल के काम किया वा। हुण रल मिल के काम किदां दा किया वा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਨਿਊਟਨ 50 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਗਿਆ, 50 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ 50 ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ 100 ਆਉਂਦਾ, 0 ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਟੇਬਲ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ 50 ਨਿਊਟਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ, 40 ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਲੋ 40 ਨਿਊਟਨ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰਿਆ ਐਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ 30 ਨਿਊਟਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ 40 ਨਿਊਟਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਥੇ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ, ਕਿ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਈਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਵੈਸਟ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਨੌਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 ਨਿਊਟਨ ਉੱਤਰ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਆ, 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਆ ਨਾ ਆਹ 90 ਡਿਗਰੀ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ 40 ਨਿਊਟਨ ਅਤੇ 30 ਨਿਊਟਨ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ 40 ਨਿਊਟਨ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ 30 ਨਿਊਟਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਆ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਢਾਂ ਆ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿ 30 ਨਿਊਟਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ 40 ਨਿਊਟਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ,
तो एक बंदा एक चीज़ में इधर खिंचता पाया, इतने कोई चीज़ आ, मतलब इतने किल गड्डी हुई आ कंध दे विच, सो इतने इदा सोचो भी आ कंधा आ, दो कंधा कमरे दिया, आ दो कंधा, कंधा का खूंजा जिहड़ा हैगा वह खूंजे दे विच एक किल गड्डी हुई आ, ठीक है, वह वाली किल नू रस्सी बन के एक बंदा ऐन खिंचता पाया, एक बंदा ऐन खिंचता पाया उस किल नू, तो दोनों जने खिंची जाते हैं, तो किल किधर नू जाऊगी, ये वाल नू जाऊगी कि ये वाल नू जाऊगी, कॉमन सेंस की गल आ कि किल ना इधर जाऊगी ना उधर, ऐन चल जाऊगी किसी पासे नू, होर ही पासे नू चल जाऊगी, ना इधर जाऊ ना उधर जाऊ, इहदा मतलब दोनों ने रल के आ वाले मामले की होया सी कि दोनों रल के इको पासे जोर लाते सी, तो चीज़ मेज जिहड़ा सी एक पासे नू चला गया, ये दोनों पासे एक दूजे के उल्ट हो गए, मेज नू होया ही कुछ नहीं, आ वाला मामला जिहड़ा सीगा इहदे च उहने 10 न्यूटन ते 5 न्यूटन लाया सी, क्योंकि ये जिहड़ा बच्चा सीगा ये घट जोर लाता पिया सी, ज़्यादा जोर लाता सीगा, तो ये फिर ज़्यादा जोर ला के जिहड़ा इहदे च बचिया होया जोर आ उहदे करके चीज़ ओनू, मतलब बचिया होया जोर इधर नू बच गया सीगा, तो जिदा हुण रस्सी नू खिंचण वाली खेड खेडदे आ बच्चे, भी उधर बच्चे इधर खिंचदे अद्धे उधर, दोनों जिन्नी देर तक एक टीम थक नहीं जाती, फिर दूजी जिहड़ी हैगी आ जदों उहदा स्टैमिना बचिया हुंदा जोर उच बचिया हुंदा, तो फिर रस्सी खिंच के लै जांदी आ, तो वह गेम जिहड़ी आ उह जित जांदे, इहनूं टग ऑफ वार गेम कहिंदे आ, रस्सी खिंचण वाली गेम नूं, सो टग ऑफ वार दे विच जिहड़ा हैगा उह रस्सी नूं खिंच के जिहड़ी टीम लै जांदी आ, जोर तां दोनों ने बराबर लाया हुंदा, फिर एंड ते एक टीम थोड़ी हार जांदी आ थक जांदी आ, फिर दूजी टीम जिहड़ी हैगी आ रस्सी अपने वल खिंच के लै जांदी आ, उह कदों लै जांदी जदों इदां दी स्थिति बणदी आ, जिन्नी देर दोनों का जिहड़ा 50 न्यूटन हुंदा रस्सी दे विच आ वाला काम, उन्नी देर उत्थे रस्सी जाम रहिंदी आ, गेम अड़ी रहिंदी आ, ना वह जितते ना वह जितते, फिर जदों एक वेला इदां दा आंदा कि एक का जोर घट गया तो एक का वध गया, तो उस वेले फिर इधरले पासे नू रस्सी वाले खिंच के लै जांदे आ, सो ये वाली जिहड़ी स्थिति बन गई, पर हुण इत्थे होर ही तरह की स्थिति बन गई, भी इहदा की जवाब कढ़ीए, ये तो जमा हो ही नहीं सकता सीधा, आपां किद्दां कह दईए हुण 40 तों 30 भी नहीं घटदा नज़र आंदा पिया, प्रैक्टिकल गल आ दिखदा पिया, 40 तों 30 तां नहीं घटदा पिया क्योंकि उल्ट नहीं हैगे, 40 तों 30 भी जमा नहीं हो रहा, इस 40 जमा 30 भी नहीं हो रहा, इस 40 घटाओ 30 भी नहीं हो रहा, मतलब उन्होंने कैंसल भी नहीं करता पिया, मतलब 40 करांगे जे वैक्टर के हिसाब ना करांगे तो फिर यदा जवाब जाता 70 आंदा तो या फिर 10 आना चाहिए सीगा, सो ये दोनों मामलों कुछ भी नहीं है क्योंकि ना तो एक दूजे के उल्ट है गया, ना एक दूजे के सेम डायरैक्शन च है गया, सो देर इज़ समथिंग न्यू, सो इतने कुछ होर जवाब आऊगा इन दोनों का, यदा जो जवाब आऊगा हूँ 10 तो 70 के बचकार कोई जवाब आऊगा, ना 10 आऊगा ना 70, घट तो घट जवाब है, बहुत इंपोर्टेंट गल आ, दो वैक्टर जदों आपस में रलते हैं तो उन्होंने घट तो घट जवाब उन्होंने घटा के देख लो मैगनीच्यूड न, वध तो वध जवाब उन्होंने मैगनीच्यूड ऐड करके देख लो, सो मतलब असल में जो वैक्टर लिखना वा ना तो असी 40 न्यूटन वैक्टर तो 30 न्यूटन वैक्टर जमा ही किया वा, जो वैक्टर की गल करते हैं असी जोड़ ही देखते पे हाँ कि दोनों ने रल के की किया, पर प्रैक्टिकली ये घटिया सानू भी पता, इतने भी आप देख सकते हैं कि 10 चों 5 घटे आ, पर क्योंकि आप एरो बना रहे थे डायरैक्शन दस रहे थे तो इस करके डायरैक्शन तो असी क्लीयर किया कि असल में आ जवाब आना सी, सो मीनस असी यही देखा कि दोनों ने रल के की किया, सो इतने दोनों रल के वध तो वध की कर सकते सी, वध तो वध रल के 70 न्यूटन जवाब लिया सकते सी, ते जे एक दूजे के उल्ट काम करते मतलब 40 ऐनू लगता तो 30 भी ऐनू लगता, 40 तो 30 दोनों एको पासे होंगे तो फिर इन्ह का जवाब 70 आ जाना सी, जे 40 मान लो इधर नू लगता तो 30 इधर नू लगता तो फिर इन्ह का जवाब 10 न्यूटन आना सी, सो ये क्लीयर आ गल, पर ये दोनों के विचों ये स्थिति डिफरेंट आ, ये विचकार जे हैगी है, इहदा मतलब इहदा जवाब 10 तो 70 के विचकार कुछ आऊगा, सो किन्ना आऊगा वो आपां हुण पता लाना चाहते हैं, सो ये जिहड़ा काम असी करना वा कि वैक्टर जदों आपस में रल के काम करदे आ तो उन्होंने जिहड़ा आंसर आऊगा उहदा जिहड़ा नतीजा आऊगा जिहनूं असी रिजल्टेंट कहांगे, रिजल्टेंट मतलब रिजल्ट मैंने नतीजा ही हुंदा ना पर नाम, सो रिजल्टेंट इत्थे इंग्लिश का शब्द हैगा रिजल्टेंट, सो क्लीयर हो गया, रिजल्टेंट मतलब परिमान परिणाम, वह जो परिणाम या नतीजा आ आऊगा, सो नतीजा इतने जे तो सेम डायरैक्शन से तो 70 न्यूटन से, जो ओपोजिट डायरैक्शन से तो 10 न्यूटन से, पर जे हुण इदा है एक दूजे के नाल किसी एंगल 90 डिग्री से है फिर ही नतीजा आऊगा, तो जे 90 तो भी इलावा ये किसी होर एंगल से भी तो हो सकते सी, इदा भी हो सकते टेढ़े जे 40 न्यूटन इधर हुंदा 30 न्यूटन इधर हुंदा तो इन्हां विच एंगल जिहड़ा हैगा मान लो कि 60 डिग्री हुंदा, तो फिर यह की जवाब आंदा,
ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, 40 ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹਨੇ 30 ਨਿਊਟਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਸੀ 100 ਮੰਨ ਲਓ 40-50 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ 40 ਨਿਊਟਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ, 30 ਨਿਊਟਨ ਇੱਧਰ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ 150 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਉਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 50-50 ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ 100 ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ 50-50 ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 0 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਾਅ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 2 ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਬਣਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਜ਼ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਦਾ 2 ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਈਡਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਹੈਵ ਵੈਕਟਰ ਏ, ਆਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਈਡਾਂ, ਟੇਕਨ ਇਨ ਸੇਮ ਔਡਰ, ਸੇਮ ਔਡਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਰੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਇਹ ਔਡਰ, ਸੇਮ ਔਡਰ ਜਾਂ ਸੇਮ ਸੈਂਸ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਗਰ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਟੇਲ ਹੈੱਡ ਮੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਟੇਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ, ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੇਲ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਫਸਟ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ ਅਤੇ ਟੇਲ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਟੇਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਔਡਰ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਔਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਔਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹੈੱਡ ਟੇਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਡਰ ਸੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਇਨ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ, ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਵੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇਨ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਵੈਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ 'ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ? ਇੱਕ ਆ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਏ ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਟੇਢਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਸਟ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਰਥ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਜਾਂ ਈਸਟ ਨੌਰਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਖੜ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਆ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 100 ਨਿਊਟਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 200 ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਰਸਾਇਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਦਾ 2 ਸਾਈਡ ਆਫ ਏ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਟੇਕਨ ਇਨ ਸੇਮ ਔਡਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਔਡਰ 'ਚ ਲਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਟੇਲ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਆ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ,
डायरैक्टली प्रपोर्शनल कहते हैं, डायरैक्टली प्रपोर्शनल वह मैगनीच्यूड ऑफ द टू वैक्टर्स, जोड़े दोनों वैक्टर से इन्हों के मैगनीच्यूड के प्रपोर्शनल लिया उन्होंने, जिदा मैं हमी बोल के दसिया रिस्पैक्टिवली वारी सिर, मतलब क्रमवार भी जे ए इधर लिया तो ए इधर, ये नहीं भी बी इधर आता बी न मैं सीधा कर देव, सीधा नहीं किया वारी सिर, जे ए इधर से तो ए इधर ही लिया वा, बी इधर से टेढ़ा तो बी न टेढ़ा ही लिया वा, तो उन्हें बस ये किया कि हूँ उन्होंने हैड टेल आपस में जुड़वाते हैं। सो दैन द थर्ड साइड, हूँ जी तीजी साइड होगी, दैन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रैंगल टेकन इन ओपोजिट ऑर्डर, हूँ तीजी साइड कि बनी, तीजी आ वाली बनी है, देखो तीजी साइड आ वाली बनी। सो ये किधर लैनी, उल्टे पासे ये जे आप आह चक्कर बनाते तो इदा चलता पाया, पर आ वाली साइड आप इधर लै ली उल्ट पासे। सो ए दोनों ए तो बी जे ए घुमा पे उन्होंने, तो आह जी साइड है इनू इधर घुमा पी है उल्ट पासे। सो इस तरह आह जी ट्रैंगल बनी अपने को, सो देयरफॉर वी हैव दिस ए वैक्टर एंड वी हैव दिस बी वैक्टर, यदा जोड़ा हैड तो यदि टेल आपस जुड़ गए, हैड आ, तो हूँ जो तीजी साइड आ ट्रैंगल की जी आप बनाई अपनी मर्जी ना, आप बनाई ता कि ट्रैंगल पूरी हो जाए, यह रिजल्टेंट आ आर बराबर ए जमा बी, मतलब ए तो बी का जोड़ा जोड़ आ, जिन्होंने अस कहने दोन ए तो बी ने मिल के की किया, ए तो बी ने मिल के आर पैदा किया, तो आर की वैल्यू ए तो बी दे मेल तो जोड़ तो पैदा हुई, जोग तो पैदा हुई। सो इनू कहते रिजल्टेंट, सो ये रिजल्टेंट आदा। सो दिस इज़ हाउ यू हैव दिस। सो द थर्ड साइड ऑफ द ट्रैंगल टेकन इन ओपोजिट ऑर्डर, उन्होंने उल्ट पासे, इनू सेंस भी कहें, सेंस ऑर्डर मतलब समझ ही गए होने ऑर्डर का की भाव आ, तो इनू सेंस भी कई बार कई किताबों लिख देंगे, रिप्रजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वैक्टर, मतलब कि असल में तो दो वैक्टर से दोनों जाने हम रल के की करे। सो ये दोनों जाने रल के मेज न, मेज न कि इधर लैके जाऊगा, नहीं लैके जाऊगा कि ये मेज न इधर लैके जाऊगा, ना इधर न ले जा सकता ना ये उधर न ले जा सकता, तो मेज असल में इधर न किधर न जाऊगा, इधर हाँ देखो ये पैरल बन दा ना। सो आ जी लाइन आ ध्यान हम देखो आ वाली लाइन जी आ रिजल्टेंट आ वाला रिजल्टेंट, तो आ जी आ रफली जे मैं लाइन बनावा तो आपस पैरल आ देखो। सो प्रैक्टिकली आ जड़िया आ वाले इन्हें मेज इनू एनू धक्का मारना सी, इन्हें एनू धक्का मारना सी, मेज ना इधर गया ना उधर गया, मेज इधर न गया इधर न इधर न। सो दिस यू कैन सी जे असी पैरल देख देख सकी तो आ जरा रिजल्टेंट बनया है वो ये पैरल बनया है। सो यू कैन सी, सो आ लाइनस जड़िया पैरल आ देखो आ पैरल लाइनस, सो रिजल्टेंट जरा पैरल बनता है। सो मतलब जी ट्रैंगल असी जो बनाने दिते हुए वैक्टर की लैके दोनों साइडा के हैड टेल जोड़ के सेम ऑर्डर उन्होंने रख के, तो तीसरी साइड जी होंगी जी कि ट्रैंगल कंप्लीट करती है उन्होंने उल्ट पासे उल्ट दिशा में लैना वा, वह ऑर्डर उल्टा रखना वा, तो फिर वो जो उल्ट ऑर्डर जो जो भी आंसर आया जिन्ना भी वो आया होगा दैट इज़ द रिजल्टेंट। सो जे आप कही कि भी आह 100 सीगा आह 200 सीगा तो यदा जवाब मान लो 300 तो 100 के विचकार आना सी, मान लो 150 आया होगा तो फिर ये 150 के प्रपोर्शनल होगा, मतलब जे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आप लै रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर यदा जवाब आया होगा। सो इस तरह ये प्रपोर्शनल आऊगा वो उन्ने जिदा तुम लै रहे होंगे। सो ये ट्रैंगल ला ऑफ वैक्टर एडिशन आ। सो फिर आप देख लें असं की करते हैं कि कोई भी दो वैक्टर जोड़े दिते होन जिन्हों के बारे असी उन्होंने जोड़ के बारे पता करना होना असी ट्रैंगल दिया दो साइडा के नाल रिप्रजेंट करते हैं तो उन्होंने सेम ऑर्डर के लेने उन्होंने जोड़ा मैगनीच्यूड आ वो दिते हुए वैक्टर्स के प्रपोर्शनल हों, डायरैक्शन भी उन्होंने दिते हुए वैक्टर के पैरल लैनी चाहिए आ, तो फिर जी तीसरी साइड आ ट्रैंगल की जी असी कंप्लीट करने बनावे वो तीसरी साइड जी ट्रैंगल कंप्लीट करती है वो उन्होंने दोनों वैक्टर का रिजल्टेंट हों, तो इनू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी जोड़ा है वो आप लिखते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू हैव दिस ट्रैंगल ऑफ वैक्टर एडिशन। थैंक यू।